ओडीआई वर्ल्ड कप 2023 का शेड्यूल जारी हो चुका है, ऑलमोस्ट सारी टीमें भी मिल चुकी हैं, 9 टीमें मिल चुकी हैं, तो एक का इंतजार है, तो वही अब सबको वर्ल्ड कप शुरू होने का इंतजार है। सबके मन में वर्ल्ड कप शुरू होने की एक्साइटमेंट भरी हुई है कि बस जल्द से जल्द वर्ल्ड कप शुरू हो जाए, तो वही बड़े बड़े दिग्गजों ने अपनी अपनी प्रेडिक्शन चालू कर दी है कि वर्ल्ड कप में कौन सी 4 टीमें हो सकती है जो हमें सेमीफाइनल में नजर आने वाली है। गवस्कर, सहवाग, काफ़ी ऐसे दिग्गजों ने अपनी अपनी प्रेडिक्शन करी है, तो वही एक और प्रेडिक्शन सामने आई है। पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर मोहम्मद आमिर ने भी एक इंटरव्यू में अपनी प्रेडिक्शन करी है, अपनी पसंदीदा 4 टीमें बताई है जो उन्हें लगता है कि हमें वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में नजर आ सकती है। उन्होंने टीम की करंट परफॉर्मेंसेस, जो भी फॉर्म चल रही है रिसेंटली, उसके बेसिस पे 4 टीमें बताई हैं। उनकी पहली चॉइस है कि टीम इंडिया हो सकती है जो इसमें सेमीफाइनल में नजर आएगी। उन्होंने टीम इंडिया इसलिए कहा है क्योंकि जो वर्ल्ड कप है वो भारत में होने वाला है, तो टीम इंडिया के घर में होने से उनको बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। टीम इंडिया वैसे ही काफी ज्यादा स्ट्रांग टीम है और ऊपर से घर में इनका रिकॉर्ड और भी ज्यादा अच्छा है। टीम इंडिया मोस्टली अपने घर में मैचेस जीतती है, उनको घर में आना और ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। ऐसे में मोहम्मद आमिर की पहली चॉइस टीम इंडिया है। अब एक बार उनकी बात करें कि उन्होंने इंटरव्यू में आखिर कहा क्या है, उनकी कौन सी 4 पसंदीदा टीमें हैं, तो एक बार उनके स्टेटमेंट में नज़र डालते हैं। मोहम्मद आमिर ने कहा है कि इंडिया बिना किसी संदेह के, क्योंकि वे कंडीशन उनके लिए बहुत उपयुक्त है। इंग्लैंड, मुझे लगता है कि वे मेरे पसंदीदा होंगे। न्यूजीलैंड, हम हमेशा उन्हें कम समझते हैं लेकिन वे हमेशा टॉप 4 में जगह बनाते हैं। अंत में ऑस्ट्रेलिया या पाकिस्तान इन टीमों में से टॉप 4 में होंगे। अब देखा जाए तो मोहम्मद आमिर ने इंडिया का नाम लिया है, इंग्लैंड का नाम लिया है, न्यूजीलैंड का लिया है, लेकिन चौथे स्थान के लिए 2 टीमें बताई है, या तो ऑस्ट्रेलिया या तो पाकिस्तान। अब देखा जाए तो मोहम्मद आमिर जो पाकिस्तान के गेंदबाज है, उन्होंने अपनी टीम के लिए कन्फर्मेशन नहीं बताई है, अपनी टीम के लिए वो डाउट में है। उन्होंने टॉप 4 में ऑस्ट्रेलिया या फिर पाकिस्तान कहा है, पाकिस्तान के लिए मतलब नहीं बोला कि पाकिस्तान आनी ही चाहिए। अब उन्होंने साथ ही साथ एक और बात भी करी है, अगर उस पर नजर डाले तो पाकिस्तान देर से शुरुआत करता है। जैसा कि आपने देखा होगा कि जब भी कोई बड़ा इवेंट होता है तो हम धीमी शुरुआत करते हैं। मौजूदा कंडीशंस इंग्लैंड की तुलना में पाकिस्तान के लिए अनुकूल है, और अगर हमारी गेंदबाजी अच्छा प्रदर्शन करती है, क्योंकि हमारे पास ऐसे बल्लेबाज हैं जो 300-350 रन बना सकते हैं, तो हमारी गेंदबाजी अहम भूमिका निभाएगी। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि पाकिस्तान के पास भी मौके हैं। अब अगर देखा जाए तो इन्होंने इस स्टेटमेंट में एक बात भी कही है कि जो कंडीशंस है वो इंग्लैंड के कंपेयर में पाकिस्तान को ज़्यादा फेवर करती है। बात भी सही है, क्योंकि पाकिस्तान और इंडिया दोनों के दोनों एशियन कंट्रीज़ है, मतलब जो पाकिस्तान के कंडीशन होंगे, वेदर होंगे, जिस तरह का मौसम होगा वो सब इंडिया में भी सेम होगा, तो फ़र्क बिल्कुल भी नहीं है। तो वहाँ पे जिस तरह अगर इंडिया को बेनिफिट मिलेगा उसके होम ग्राउंड के लिए, पाकिस्तान को भी वही फेवर मिल सकता है एज़ कम्पेयर टू इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ऐसी टीमों के। इसलिए वहाँ पे इन्होंने कहा है कि पाकिस्तान के पास भी मौका है, और बिल्कुल मौका है। पाकिस्तान ऐसा नहीं है कि स्ट्रॉन्ग टीम नहीं है, पाकिस्तान स्ट्रॉन्ग टीम भी है और कंडीशंस भी उनको फेवर कर सकती है एशियन कंट्रीज़ की वजह से। अब इन्होंने तो अपनी प्रेडिक्शन कर दी, काफ़ी दिग्गजों ने अपनी प्रेडिक्शन कर दी, लेकिन आप लोगों को क्या लगता है कि कौन सी 4 टीमें हो सकती है जो हम इस बार वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में भिड़ती हुई नजर आ सकती है? आप लोगों को क्या लगता है मुझे फटाफट से कमेंट जरूर बताइए। अब जो तो फैन स्पोर्ट्स, इस वीडियो को लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।